हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता और आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन या हस्त मैथुन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इसके इलाज के लिए और इससे होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए। मास्टरबेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है, इस पर बहुत बुक्स है, बहुत लिटरेचर है, बहुत इन्फॉर्मेशन है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इतना ज़्यादा नॉइज़ है। नॉइज़ मतलब कि इतनी ज़्यादा मिथ्स और गलत इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन कि पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। मास्टरबेशन एक हेल्दी हैबिट है, मास्टरबेशन एक नॉर्मल हैबिट है। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ आपको कि मास्टरबेशन बीमारी नहीं है, पर मास्टरबेशन अगर ठीक से ना किया जा रहा हो या मास्टरबेशन में अगर ओवर इंडल्जेंस हो तो इससे कुछ बीमारियाँ हो सकती है, उनके बारे में आगे वीडियोस बनेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक जनरल रिव्यू है, एक जनरल टॉक है ऑफ द हैंड, जो मैं आपको बता सकता हूँ मास्टरबेशन के बारे में, एक जनरल ओवरव्यू है ताकि आपके बारे में, आपके दिमाग में हस्त मैथुन को लेके अगर कुछ भी मिथ्स है तो हो सकता है कि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। ये एक पॉपुलर डिमांड पर टॉपिक है। मेरा टॉपिक पर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो परेशान हैं मास्टरबेशन से और उसके होने वाले साइड इफेक्ट से। तो मैं पहले बताऊँ आपको कि जो हस्त मैथुन है, हस्त मैथुन मतलब ऑटो एरोटिसिज्म। ऑटो एरोटिसिज्म मतलब सेल्फ स्टिमुलेशन। जब से मानव जाति बनी है, जब से ह्यूमंस बने हैं, हजारों साल से मास्टरबेशन एक नॉर्मल टॉपिक है, एक नॉर्मल चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग्स या आदमी करते हैं। मास्टरबेशन औरतों में भी होता है, मास्टरबेशन आदमियों में भी होता है। हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ आदमियों के मास्टरबेशन के बारे में, हम इसमें औरतों के मास्टरबेशन के बारे में नहीं बात कर रहे। औरतों में भी मास्टरबेशन होता है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती है, उनकी ऑर्गेजम की, औरतों का सेक्स में इच्छा की, औरतों की सेक्स डिज़ायर की, उसके एक अलग ट्रीटमेंट्स है, अलग टॉपिक्स है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, पर उसमें कुछ समय लगेगा। पर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मर्दों में मास्टरबेशन की। तो क्या मर्दों में मास्टरबेशन पुराना है? तो हाँ, जब से ये हमारा इतिहास है, जब से हमारे यहाँ मर्द है, तब से मास्टरबेशन हो रहा है, सेल्फ स्टिमुलेशन हो रहा है। तो क्या मास्टरबेशन जो है वो सही में गलत है? देखिए, मास्टरबेशन को हमारे जो इंडियन सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वीर्य है और जो शुक्राणु है उसको धातु, उसको शुक्र धातु, मतलब उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ फोर्स या शरीर की ऊर्जा के रूप में देखा गया है। ये थ्योरी है हमारे यहाँ पर कि खून के फिल्ट्रेशन से और बहुत सारी एनर्जी के बाद जाके एक बूंद वीर्य बनता है, और क्योंकि ये वीर्य से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है तो ये वीर्य बहुत ताकतवर है, और इस वीर्य को अगर आप अपने शरीर से निकाल देंगे, इस वीर्य को अपने शरीर से लॉस कर देंगे तो उससे आपके अंदर बीमारियां पैदा होने शुरू हो जाएगी। इसको एक कॉन्सेप्ट है धातु सिंड्रोम या धातु रोग, जिसके अंदर मास्टरबेशन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स एक सब टॉपिक है। इससे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारा वीर्य जो है वो नाइटफॉल से निकलता है, यूरिन से निकलता है, पॉटी करने से निकलता है या मास्टरबेशन से निकलता है, और उससे उन लोगों के अंदर बीमारियां डेवलप हो रही है। तो जो सबसे कॉमन जो कुछ क्वेश्चंस है मास्टरबेशन के बारे में, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, क्या धातु या क्या वीर्य में इतनी एनर्जी होती है कि उसके लॉस करने से शरीर में वीकनेस आ जाए? देखिए, जो शुक्राणु है, जो टेस्टिस है हमारे, जो सीमन है, जो वीर्य है, वो सिर्फ टेस्टिस में नहीं बनता। वीर्य के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जो वीर्य जो बनता है, कुछ पार्ट टेस्टिस में बनता है, कुछ पार्ट प्रोस्टेट में बनता है, कुछ पार्ट जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है बॉडी में उनमें बनता है, और जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है तो वो सारा का सारा इकट्ठा होके वीर्य के रूप में बाहर डिस्चार्ज होता है। तो डेफिनेटली अगर वीर्य का डिस्चार्ज है तो वीर्य के लिए काफ़ी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, पर वीर्य एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये वीर्य है, ये शरीर में हमेशा बनता रहता है, और हमारे शरीर में वीर्य को स्टोर करने की लिमिटेड कैपेसिटी है। जैसे पॉटी है, जैसे पेशाब है, जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बन जाता है तो आपको उसको डिस्चार्ज करना ही पड़ता है, उसी तरह वीर्य है। अगर वीर्य बनेगा तो 15 या 16 ml के बाद वो वीर्य लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उसको हाथ से निकाल देंगे तो मास्टरबेशन में निकल जाएगा, अगर आप उसको हाथ से नहीं निकालेंगे तो वो नाइटफॉल के रूप में या पॉटी के टाइम पे वो आपकी बॉडी से तो बाहर आएगा ही आएगा।
तो पहली बात यह है कि वीर्य का स्खलन जरूरी है, वीर्य का स्खलन होगा ही होगा, अगर मास्टरबेशन करके निकाला जाए तो उसमें कोई हार्म नहीं है। दूसरा फिर आता है कि अगर आप मास्टरबेशन करके ये वीर्य को निकालते हैं तो क्या हमारी बॉडी में कोई वीकनेस डेवलप हो सकती है? नहीं, मास्टरबेशन एक हेल्दी हैबिट है, मास्टरबेशन करने से कोई हार्म नहीं है। मास्टरबेशन से वीर्य को निकालने से एक्चुअली बॉडी को काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे प्रोस्टेट अच्छा हेल्दी रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, पेशेंट्स को यूरिन की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, पेशेंट्स को टेस्टिस में पेन और ब्लू बॉल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। पर मास्टरबेशन कुछ हालतों में पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मास्टरबेशन से कई बार पेशेंट्स में कुछ बीमारियां बन सकती है, अगर या तो मास्टरबेशन गलत तरीके से किया जा रहा हो या मास्टरबेशन में पेशेंट्स ओवर इंडल्ज होते हैं। होता क्या है कि मास्टरबेशन एक प्लेजरेबल एक्टिविटी है, ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी है तो एक काफ़ी संतुष्टिजनक और काफ़ी इंजॉयबल एक्टिविटी है। तो जो यंग एज में लड़के होते हैं, जब उनको रियलाइज़ होता है कि मास्टरबेशन वो कर रहे हैं, तो वो उसमें इतना विलीन हो जाते हैं, वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो मास्टरबेशन की कोई सीमा नहीं रहती। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, हर रोज़। तो अगर आपका मास्टरबेशन एक लिमिट से ज़्यादा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी नॉर्मल है, तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, पर नॉर्मली अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर रहे हैं तो इतना मास्टरबेशन नॉर्मली काफ़ी रहता है। पर अगर आपकी मास्टरबेशन की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि मास्टरबेशन ही मास्टरबेशन कर रहे हैं, मास्टरबेशन की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, डेली लाइफ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो हार्मफुल है। सेकेंडरी पोस्ट मास्टरबेशन पेशेंट्स में डिस्फोरिया होता है। डिस्फोरिया मतलब कि मास्टरबेशन में इंजॉयमेंट होता है और मास्टरबेशन करने के बाद बॉडी में सडन वीकनेस और सडन स्लीपीनेस और सडन सोने की जो एक टेंडेंसी होती है, तो उसमें क्या है कि कुछ समय मास्टरबेशन बर्बाद हुआ और उसके अलावा फिर काम करने का मन नहीं करता, तो पेशेंट की सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ और जो उसके डेवलपमेंट का टाइम है वो भी हार्म होता है। तीसरा है कि मास्टरबेशन करने का तरीका। नॉर्मली जो यंग मेल्स है वो मास्टरबेशन जो एक कन्वेंशनल टेक्निक है उसकी बजाय या तो उसको रगड़ते हैं या उसको बिस्तर में नीचे लगा के करते हैं या गलत तरीके से करते हैं। उससे भी कई बार जो है पेनिस की ग्रोथ रुकने में एक रिस्क रहता है, पेनिस में ढीलापन आने का रिस्क रहता है, पेनिस में इरेक्टाइल प्रॉब्लम रहने का रिस्क रहता है, पेनिस में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने का रिस्क रहता है। जब आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपका सारा जो स्टिमुलेशन है वो सिर्फ आपके दिमाग से या सिर्फ साइकेट्रिक स्टिमुलेशन है। आपको जो एक सेक्स के लिए फिजिकल स्टिमुलेशन है, पेनिस की स्टिमुलेशन है, वो तो डेवलप होती नहीं है। तो मास्टरबेशन करने के गलत तरीके से इन मर्दों में या इन आदमियों में या इन बच्चों में बाद में जब औरत के साथ नॉर्मल सेक्स करने में इनको डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो जो एक बॉडी की सही तनाव है, बॉडी का एक जो सही हार्डनेस है, जो बॉडी का एक सही सेक्स डिज़ायर है, वो कभी रीच ही नहीं हो पाता। तो अगर आप बोले कि मास्टरबेशन हेल्दी है, हाँ मास्टरबेशन हेल्दी है, पर एक लिमिट से, अगर सही से किया गया हो तब, और अगर मास्टरबेशन करने का तरीका या प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया गया हो। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, बिन स्टिमुलेशन के कर रहे हैं, इनएडिक्वेट टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो मास्टरबेशन से काफ़ी प्रॉब्लम भी पेशेंट्स में डेवलप हो सकती है। तो मोस्टली जो सेक्स पेशेंट्स आते हैं, हम यूजली उनको मेंशन करते हैं कि आप सेक्सुअल रिहैब में जाइए। सेक्सुअल रिहैब मतलब कि सबसे पहले हम उनका मास्टरबेशन बंद करते हैं, उसी से पेशेंट्स में काफ़ी फ़ायदा होना स्टार्ट होता है। मेरे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मास्टरबेशन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मास्टरबेशन और वीकनेस, और इन सब के बारे में बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। हो सकता है तो इस पूरे वीडियो से जो आपको मेन मैसेज जो मिलना चाहिए वो ये है कि मास्टरबेशन हेल्दी है, पर लिमिट से कीजिए, प्रॉपरली कीजिए। मास्टरबेशन की सही टेक्निक्स, मास्टरबेशन कैसे करें, इन सब के बारे में कमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।